हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिनेश और आपको मेरा चैनल बीएच ब्लॉग में स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग में आया हूं। तो रीज़न बहुत रहता है फ्रेंड्स कि मैं डेली ब्लॉग तो नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर काम के लिए आए हैं और अपने काम को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं दे पाते हैं। तो चलिए, बहुत दिन के बाद मैं आज के इस ब्लॉग को हम स्टार्ट किए हैं और आप लोग के बीच में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ का नेचर के बारे में, यहाँ का मौसम के बारे में, जो कि अभी बहुत ही ख़राब, इतना ख़राब चल रहा है कि मत पूछो। अभी फ़िलहाल तुरंत अभी बारिश होने वाला है, दिख रहा है मौसम ऐसा कि अभी जस्ट ही आएगा। तो तुरंत ही मैंने आप इस ब्लॉग को शूट किया, तो इधर हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को कि यहाँ का नेचर कैसा है। तो इधर धान का पूरा खेती है और अभी बारिश होने वाला है। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर बारिश हो जाएगा तो इसका क्या हाल होगा? और इतना बड़ा खेती है यहाँ पर, सबको काट के बस निकालना खाली है बस। लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभी बारिश होने वाला है, फिर ये तो गया। और ऐसा खेत है जो कि एक बार बारिश आया ना इधर, तो पूरा एकदम में सब पानी इधर पूरा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो रही मौसम की बात, जो बारिश की बात है, तो चलिए हम कुछ दिखाते हैं इधर का थोड़ा सा अच्छा वाला सीन। तो उतना भी अच्छा नहीं कि जो है वही दिखा रहे। तो देखिए कितना मस्त है इधर का, तो थोड़ा निकाल दिया है खेती को जो लोग। और आप लोग ज़रा बताइएगा, इधर का नियम ही कुछ अलग है। जहाँ पर धान की कटाई होती है वहीं पर उसको मिस दिया जाता है, फिर वहाँ का जो पुआल रहता है, उसका जो घास रहता है, उसको खेत में ही छोड़ दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसको पूरा इधर ही छोड़ दिया, और हम लोग का उधर ऐसा नहीं होता। इसको लेंगे अपना जगह पर, वहीं पर मिसेंगे। इधर सब चीज़ को छोड़ दिया जाता है, पूरा खेत में ही छोड़ दिया जाता है। और यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ का खेती को निकाल के तुरंत इसको जुताई उताई करके आप ही देखिए, फिर से इसको आलू रोपने के लिए धार बना के रेडी किया है। इधर का आदमी लोग का ऐसा है कि कभी भी फ्री रहना नहीं चाहता है, हमेशा वो लोग को काम चाहिए। काम नहीं करेगा तो वो लोग का जीना मुश्किल है। अभी तुरंत इसमें आलू का खेती डालेगा, फिर इसको निकाल के ना जाने इसमें क्या डालेगा, वो तो वही लोग जाने। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिए इधर का ये घास, बहुत ही शानदार एक नंबर दिख रहा है पूरा। और इसको लगाया जाता है, खुद से नहीं आता है, इसको लगाया जाता है बैल को खिलाने के लिए। इधर का बैल सबको भी घास खिलाने के लिए नहीं ले जाते हैं, हम लोग का उधर चराने के लिए ले जाते हैं सब अपना एक झुंड बना के। इधर वैसा नहीं है, इधर घर में ही रखते हैं, फिर घास को काट के डेली वो लोग का डेली सुबह वो लोग घास को काटेंगे, फिर गाय के लिए लाएंगे, उसको मशीन से कटाई करके फिर गाय को देंगे। और वहीं से वो लोग दूध निकालते हैं गाय से, और हज़ारों रुपये कमाते हैं पर डे, हज़ारों रुपये कमाते हैं। बहुत ही इधर ये है कमाने का वो लोग को, बहुत ही ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे इधर थोड़ा सा ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करने के लिए। तो अभी बारिश पड़ रहा है, थोड़ा ठंडी भी लग रहा है बहुत, ये सुबह सुबह का मौसम, अभी वही 6 बजे होगा, तो ठंडी भी थोड़ी लग रही है। तो चलिए हम चलते हैं अपने रूम की ओर, ब्रश भी नहीं किया है, अभी ब्रश करना है हमको, फिर जाके नाश्ता उश्ता करना है, चाय पानी सब नाश्ता उश्ता करना है, फिर हमको लग जाना है ड्यूटी में। फिर तो जाते हैं अपने रूम पर, इधर बारिश हो रहा है, अभी भींग गए तो सुबह का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, सर्दी उर्दी बुखार उखार पकड़ दिया तो हम लोग का हाजिरी चला जाएगा, फिर कोई फायदे के नहीं। तो चलिए चलते हैं, अभी ब्रश कर रहे हैं। बस हो गया है कंप्लीट, अभी जाएंगे हम नाश्ता करने के लिए, फिर लग जाएंगे ड्यूटी में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए मेरे दोस्त के साथ में, आप लोग देख ही रहे हैं वो आगे आगे चल रहा है। तो अभी सामने ही है रूम, अभी पहुंच ही जाएंगे। तो इधर देखिए, इधर पानी गर्म हो रहा है इधर आग से, इधर भी लकड़ी का ही उपयोग होता है। तो चलिए हम लोग रूम पहुँच ही गए हैं, पूरा अंधार है, अभी लाइट ऑन करते हैं। ऑन हो गया लाइट, तो ये देखिए यहाँ पर तो कोई उठा भी नहीं, अभी डिसना सब को उठा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए अब बने रहिए वीडियो में, अभी नाश्ता आने वाला है। तो फाइनली मैडम उधर से ला दी हम लोग के लिए नाश्ता, ये रहा
मुरही और एक वो बिस्किट है, देखिए चलिए लेते हैं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने थे तो लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।